इस वीक में हमने जो डिस्कशन की है, हमने डिस्कस किया है कल्चर को। ठीक है जी, कल्चर को पढ़ा है हमने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, उसके टाइप्स देखी हैं, उसके कंपोनेंट्स देखे हैं। मोहम्मद हमजा, आप मुझे सुन रहे हैं यस मैम, जी? आप ईएस से हैं? अटेंडिंग चलिए ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं अबाउट कल्चर जो हमने अभी तक पढ़ा है? सॉरी मैम, कल लेक्चर नहीं ले पाया मैं। ठीक है, इससे पहले जो हुआ था हमारा ट्यूजडे को, वो लिया आपने? मैम वो नेट इशू होता है तो नहीं ले पाता, कुछ ले लेता हूँ कुछ नहीं ले पाता। ठीक है, मैं लिंक शेयर करूंगी, फिर आप जब आपके पास टाइम हो मैनेज करें थोड़ा सा, ताकि फिर आप लिंक से जो है वो कंटिन्यू कर सकें। ओके मैम, ठीक हो गया जी। मैं मोना, आप मुझे सुन रहे हैं? खावर, आप हमारे साथ हैं? खावर, आप मुझे सुन रहे हैं? जैन, आप मुझे सुन रहे हैं? रिस्पॉन्ड करें गाइस, रिस्पॉन्ड करें। मुझे आप लोगों से कोई ऐसी चीज नहीं पूछनी जिस पे आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट मुझे बताएं आप लोग मेरे साथ हैं, आप मुझे सुन रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैम, आपकी जी आवाज महमूद, बहुत कम है। अब ठीक आ रही है आपको? मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? यस मैम, ठीक हो यस गया मैम, जी। जी मनोज, अब आ रही है आपको आवाज? मनोज, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस मैम, यस मैम, अब आई। थैंक अच्छा जी, यू मैम। कोई खुद को वॉलेंटियर करे, जिसको ये लास्ट दो जो लेक्चर्स हुए हैं उन पे कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, हैंड रेज करें वो। जो लोग लेफ्ट करके जा रहे हैं उन्हें ये बता दें कि ज्वाइन कर लें, कोई इतना मसला नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के साथ। जी जैनब, आप मुझे सुन रही हैं? यस मैम, हमने लास्ट टू लेक्चर्स में कल्चर को डिस्कस किया है, आप थी हमारे साथ? यस मैम। मैम, मैंने कल वाला लेक्चर लिया था, उससे पहले वाला नहीं लिया था, कल का बता सकती हूँ? ठीक है जी। अच्छा, कल्चर के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कल्चर के बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो सिंबल्स, लैंग्वेज, वैल्यूज, और जो मतलब बेसिक हमारे बिलीव्स होते हैं, जी और नॉर्म्स, उसके आगे से दो टाइप्स होती हैं। फाइन। अच्छा, आप जैनब लाहौर से हैं? यस मैम, ठीक है, आप लाहौर में रहते हुए किस कल्चर को फॉलो करी हैं? या बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कल्चर से आपको क्या समझ आती है? कल्चर क्या होता है? कल्चर बेसिकली
सेट ऑफ वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस व्हिच अ पर्सन फॉलोज इन हर बेसिकली द लाइफस्टाइल व्हिच अ पर्सन फॉलोज. फाइन गुड. अच्छा जी, और किसने हैंड रेस किया था? जैन, जब आप हमें ज्वाइन करें या आज को जब मेरी आवाज़ आए तो काइंडली मुझे बताइएगा, क्योंकि आप अभी भी हमारे साथ हैं और आप बोल नहीं रहे हैं. आई डोंट नो, आपका माइक का इशू है? माइक का इशू है तो चैट में लिखें, मुझे रिस्पॉन्ड करें. तनवीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तनवीर हुसैन, आप मुझे सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम. हम जी मैम सुन रहा हूँ. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तनवीर? अल्हम्दुलिल्लाह मैम. अच्छा तनवीर, आपने स्पीक में लेक्चर्स लिए हैं? सॉरी मैम, मैं मेरा लास्ट तकरीबन हाफ एन वीक से एब्सेंट था, थोड़ा सा काम था इसीलिए मैं गांव में ना काम कर रहा. ठीक है जी, आपने मतलब जो हमने पढ़ा वो आपने नहीं पढ़ा. ठीक है, आपसे फिर पूछना नहीं बनता है. आप ये करिएगा कि आज मैं सीडीएस पे अपलोड कर दूंगी सारे लेक्चर्स इस वीक के, तो आप काइंडली वहां से लिंक्स और पीपीटी लेके तो इसको देख लीजिएगा. जी मैम. ठीक है ओके जी. जी मैम. जी जैन, शुक्र है कि आपको मेरी आवाज गई है, आपने मैसेज लिखा है. बस आपका इसी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. आपसे कुछ पूछूंगी नहीं अब, अस्सलाम क्योंकि आप वालेकुम मेरी. वालेकुम अस्सलाम जैन, कैसे हैं आप? शुक्र है लगा मैम. पहले है ना, मैं मीटिंग में है नहीं था इसलिए. सर आप नजर आ रहे थे मुझे, पता नहीं ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है कि जो नहीं भी होता उसको भी दिखाते हैं. आई डोंट नो, अब 65 लोग हैं हम लोग, ये मुझे आई डोंट नो 108 क्यों नहीं दिखा रहा. मैं मेरे 65 शो हो रहे हैं, देखा ना? तो जब आप ऑनलाइन थे तभी आप मुझे ऑनलाइन शो हो रहे थे. अब मुझे अब ये बताएं कि आप लास्ट टू लेक्चर्स में हमारे साथ थे? यस मैम. अच्छा जी, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग हुई कल्चर की? मैम कल वाले की थोड़ी कम कल्चर की हुई थी. ओके, इससे पहले जो हमने कल्चर को डिस्कस किया था उसमें से कुछ आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? स्लाइड्स में से नहीं, जो आपको एक्चुअली में समझ आई कि कल्चर होता क्या है, या जो आपको पहले से नॉलेज था कि कल्चर क्या होता है, उसमें क्या ऐड हुआ? जैन कुछ भी, जो भी आपको समझ आ रही है. मैडम बेसिकली कल्चर कह सकते हैं कि हमारा सोशल बिहेवियर सोसाइटी से या पीपल से. जी जी बोले, मैं सुन रही हूँ. मैं कह रहा था कल्चर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ आइडियाज या हमारा सोशल बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी और पर्टिकुलर पीपल. ठीक है जी. अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जो आपने ये जो अपनी प्रोफाइल सेट की हुई है, यू आर वेयरिंग पेंट शर्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने ड्रेस पहना हुआ है? ड्रेस. अच्छा जी, ड्रेस पहना हुआ है. ठीक है, इज दिस ड्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर नॉट? पार्ट या कल्चर का मैम? फाइन, if anyone is wearing pant shirt or the three piece, this is not part of specifically our culture. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हम पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो करते हैं तो उसमें हमारा नेशनल ड्रेस शलवार कमीज है. चूंकि हम अब जिस लैंग्वेज में इंग्लिश में हम यूजुअली कम्युनिकेट करते हैं उसकी टर्म्स यूज करते हैं, वो भी हमारा कल्चर नहीं है. लेकिन क्या है जी, चूंकि हम जब एक दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों से हम
इंटरेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है वो सब लोग हमारे कल्चर से ही हो। हम दूसरों के कल्चर्स में से बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करते हैं, ठीक है जी। जब उनकी चीजें हम अडॉप्ट करते हैं तो क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है। जैन आप म्यूट कर लें, ठीक है जी। डाइवर्सिटी आती है, चेंज आता है, चीजें फर्क होती हैं। डे वन से हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, एरिस्टोटल ने कहा था मैन इज नॉट अ बायोलॉजिकल बीइंग, इंसान एक बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, मैन इज अ सोशल एंटिटी। इंसान वो फिनोमिना है जो कि एक दूसरे से सीखता है, एक दूसरे के साथ मिलके रहता है, और जब वो एक दूसरे के साथ मिलके रहता है तो वो एक दूसरे से सीखता भी है और सिखाता भी है। और जब हम सीखते सिखाते हैं, हम एक दूसरे की चीजें अडॉप्ट करते हैं, वो अडॉप्टेशन एक्चुअली में डाइवर्सिटी होती है। और जब हम इसको एक इंडिविजुअल लेवल से सोसाइटल लेवल पे लेके आते हैं और सोसाइटी में जब कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उस कल्चर में जब चेंजेस आते हैं, तो वो होती है कल्चरल डाइवर्सिटी। आप लोगों से पूछने का पर्पस क्या था, अगर आप लोगों में से यहाँ पे कोई वेस्टर्न ड्रेस वेयर किया हुआ होता तो मैं ये कहती कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो कि थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, बिहेवियर के थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, कास्ट और क्लास का जो सिस्टम हमारी सोसाइटी में पाया जाता है उसके थ्रू डिफरेंट होते हैं। पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी में डिफरेंट रीजन्स से लोग मौजूद हैं, एक बड़े कल्चर में मुख्तलिफ छोटे छोटे कल्चर्स मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्स कब करता है, कैसे डाइवर्स होता है, जब वहां पे मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद होते हैं। आप पाकिस्तानी कल्चर पे बात कर लें, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लें मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स। मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, वो डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, नॉन मुस्लिम्स डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस करते हैं। अभी लास्ट वीक ईस्टर गुजरा है, वो अकॉर्डिंगली ईस्टर अपने प्रिपरेशंस करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं बीइंग मुस्लिम्स। लास्ट वीक शबे बारात गुजरी है, हम उसको जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग अपनी अपनी चीजों में अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, आज हमने बात करनी है कल्चरल डाइवर्सिटी पे। मैंने आपको एग्जांपल दी है मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स की। आप मुस्लिम्स की बात कर लें, मुस्लिम्स में जब हम मूव करते हैं बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कोई सेक्टर खुद को अहले सुन्नत में कंसीडर करता है, कोई खुद को अहले तशरीह कहता है, कोई खुद को अहले हदीस कहता है, अहले सुन्नत में कोई बरेलवी है, कोई कुछ है, ठीक है जी। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इस्लाम religion, politics, I just wanted to explain all these phenomena के diversity कैसे मौजूद है। आप लोग ये कहते हैं या सोच रहे होंगे कि मैडम हमें ये कह रही हैं कि कल्चर क्या है, जो कि हम कर रहे हैं, हम कॉमन प्रैक्टिस करते हैं किसी एरिया में, किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी में, तो वो हमारा कल्चर होता है। ऑब्वियसली वो हमारा कल्चर होता है, लेकिन उस कल्चर में
जब मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं विद इन सोसाइटीज अक्रॉस द सोसाइटीज विद इन कंट्रीज अक्रॉस कंट्रीज, तो क्या है जी, डाइवर्सिटी आती है। पाकिस्तान में मौजूद क्रिश्चियंस, हिंदूस, सिख अपने मुताबिक अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम्स मुस्लिम्स को कर रहे हैं। पंजाब में रहने वाले लोग पंजाब के कल्चर को फॉलो करते हैं, केपी में रहने वाले केपी को करते हैं, सिंध में रहने वाले सिंध के कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, इसको कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। उनमें जो स्किल्स हैं, उनमें जो टैलेंट्स हैं, वो जो चीज़ें सीखते हैं, उनका जिसमें इंटरेस्ट है वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान का एज अ होल कल्चर मौजूद है, उसको एक जनरल कल्चर कहते हैं। उसमें सब कल्चर्स हैं, जो डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज के लोग फॉलो करते हैं। ये कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, डाइवर्स होना, तनवो, फर्क। ये फिनोमेना कितना डाइवर्स है। ठीक है जी, अभी मैं स्लाइड पे मूव नहीं कर रही हूँ, पिछले 10 मिनट से आप जब से क्लास स्टार्ट हुई आप लोगों से पूछा है सिर्फ, और खुद बताया है कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है। कल्चरल डाइवर्सिटी एक्चुअली में चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं, या क्या उसको कह सकते हैं, देख रहे होते हैं अपनी सोसाइटी में, तो अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। आई वॉन्ट टू शो सम पिक्चर्स, अगर मुझे वो फाइल अभी मिल जाए तो। हम ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, यहाँ पे चीज़ें टाइम के साथ बदलती हैं। आप लोगों को शो रहा है इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, पिक्चर शो रही है? यस मैम। ठीक हो गया जी। ये देखें आप, वन कपल हु इज वेयरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस, ठीक है जी, साथ में वो ही कपल जो है पाकिस्तानी ड्रेस पहनी हुई है, तो क्या है जी, ये हमारे इफेक्ट्स हैं वेस्टर्नाइजेशन के पाकिस्तानी कल्चर के। या ये अगर इस कपल को हम कंसीडर कर लें कि ये वेस्टर्न का कोई कपल है, तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तानी कोई कपल वहां पे मौजूद अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, तो क्या है जी, ये डाइवर्सिटी। एक जगह पे मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद हैं। आप अमेरिका डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रीजन है, वहां पे ऑलमोस्ट हर रिलीजन, हर एथनिसिटी का ग्रुप मौजूद है। एग्जांपल समझ आई है आप लोगों को कि ये भी हो सकता है हम अपने कल्चर में, अपने एरिया में उस चीज को अडॉप्ट करें, तो वो हमारे कल्चर पे दूसरे कल्चर का इन्फ्लुएंस होगा, और ये भी हो सकता है हम अपने कल्चर को किसी दूसरे एरिया में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो तो लोग उसको देखें, विच एक्चुअली वी आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं हम स्लाइड्स को। कल्चरल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स अक्रॉस सोसाइटीज एंड प्लेसेस। एज देयर आर डिफरेंट सोसाइटीज, देयर आर डिफरेंट कल्चर्स। कल्चरल डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इमिग्रेशन बट आल्सो सोशल क्लास। डाइवर्सिटी सिर्फ इसी वजह से नहीं होती कि हम इमिग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं,
तो वहां पे हमारा कल्चर डाइवर्स हो गया, सोशल क्लास इसकी बेस बनती है। कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, किसके पास कितने रिसोर्सेस हैं, वो वही कल्चर फॉलो करेगा। सोशल क्लास के बेसिस पे कौन से कल्चर्स होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर, हाई मीन वो कल्चर जो कि एलीट क्लास फॉलो कर रही है। हाई कल्चर वो कल्चर होता है जो कि एलीट क्लास फॉलो करती है। पॉपुलर कल्चर वो कल्चर, ये कल्चर्स होते हैं सोशल क्लास की बेस पे। क्लास क्या होता है हमारे पास, क्लास सिस्टम हम कहते हैं जी, के किसी की सोशल पोजीशन को उसके क्लास सिस्टम में देखना। कोई लेबर है तो वो ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास से होगा, ठीक है जी। कोई ऑनर है तो वो एलीट क्लास को शो कर रहा होगा। कोई किसी फैक्ट्री में कोई मुलाजिम है किसी जगह पे, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई असिस्टेंट है, तो वो मिडिल क्लास से होगा, ठीक है जी। किसी जगह पे कोई क्लर्क है, क्लरिकल स्टाफ में से है, एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई रोल्स कर रहा है, तो वो क्या है जी, वो मिडिल क्लास में से होगा। सो हाई कल्चर, हाई से मुराद है एलीट क्लास, बड़े लोगों का कल्चर। वो सब कल्चरल पैटर्न्स जो कि सोसाइटी के एलीट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, उनके मैनर्स, उनके बिलीव्स, उनकी अम्यूजमेंट्स, उनका लेयर, उनकी एक्टिविटीज, उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, हर चीज जो सोसाइटी के एलीट को उसकी पॉपुलर क्लास से डिफ्रेंशिएट करती है। पॉपुलर क्लास आम लोग, सोसाइटी की जो पॉपुलेशन होती है। ये सोशल क्लास को बताने के लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड करनी पड़ी है कि पॉपुलर कल्चर वो कल्चर, वो सब वो ट्रेट्स, मैनर्स, बिलीव्स, अम्यूजमेंट, लेयर, एक्टिविटीज, टेस्ट, प्रेफरेंस, हर चीज जो कि सोसाइटी की जो पॉपुलेशन होती है उसमें मौजूद होता है, वो पॉपुलर कल्चर होता है। हाई कल्चर एलीट क्लास का वो कल्चर होगा, वो जो वाइन लेते होंगे जिम खाना में बैठ के, वो पाकिस्तान की जो वो कम्युनिटी जो कि ड्रग्स या वाइन लेती होगी, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव वाइन होगी कि जो कि यहाँ मौजूद नहीं होगी, कंट्री की आम पॉपुलेशन के पास वो नहीं होगी, उन्होंने उसको सिर्फ आइडियलाइज ही किया होगा। सो आप ये देखिए कि जो हमारी एलीट क्लास है उनकी रिक्रिएशन भी एलीट्स वाली है, उनके ड्रेसिंग पैटर्न्स, उनकी जिसको कहते हैं ए से लेके जी तक एज अ होल हर चीज फर्क है, उनके ईटिंग पैटर्न्स, लिविंग पैटर्न्स, ड्रेसिंग पैटर्न्स उनको हाई बनाती है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस between the owner and the laborer, landlady and housemaid. This is the same difference between high culture and popular culture. ठीक है जी, इसमें ये पॉइंट रेज होता है कि कल्चर आपका फर्क आपकी क्लास से भी होता है, इसमें डाइवर्सिटी आपकी सोशल क्लास की वजह से भी मौजूद है। नॉट ओनली कि आप किसी दूसरे कल्चर में जाके जो कि एरिया वाइज डिफरेंट होगा वहां जाके आप डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं या वहां डाइवर्सिटी पाई जा रही है, डाइवर्सिटी आपके अपने सिटी, आपके अपने एरिया में भी मौजूद है जब आपके पास रिसोर्सेस का फर्क है, जब आपकी क्लास का फर्क है, जब आपके पास हैव और हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट है। जिसके पास है उसके पास बहुत ज्यादा है, जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है जी, इसमें सिर्फ इमिग्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सोशल क्लास भी इन्वॉल्व है। मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक हो गया जी। कल्चरल इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि मतलब जो पाकिस्तान है उसमें डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले
जो डिफरेंट प्रोविंसेस के लोग रहते हैं तो उन सबका कल्चर डिफरेंट होता है थोड़ा थोड़ा, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी में आएगा। यस बिल्कुल, ये कल्चरल डाइवर्सिटी में आएगा। पंजाब में मौजूद लोग जो हैं उनका उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल कोई लाहौरी है, कोई सराइकी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई पोटोहारी बोलता है, ये सारे पंजाब में मौजूद कल्चर्स हैं। मैंने आपसे कहा है कि कल्चर जो है एरिया टू एरिया भी डिफरेंट हो सकता है ड्यू टू इमिग्रेशन, और सोशल क्लास में भी डिफरेंस आता है ड्यू टू रिसोर्सेस। ठीक है जी बख्तावर। यस मैम। आप लोग कोई और पॉइंट इसमें ऐड करें जो आप लोगों को लगता है कि पूछेंगे ये डाइवर्सिटी हो सकती है या नहीं, अगर ऐड करना चाह रहे हैं, वरना मैं मूव करूँगा। अच्छा जी, कल्चरल डाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ कल्चरल ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी। ये आपने जो बात की है ना बतावर, ये वो बात है। एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ कल्चरल ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स कौन से हैं जी, डिफरेंट प्रोविंसेस, वो कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रही है। एक सोसाइटी में मौजूद सोसाइटी है पाकिस्तान, कल्चरल ग्रुप्स हैं इसके डिफरेंट प्रोविंसेस, और वो जो अपना अपना कल्चर परफॉर्म कर रहे हैं वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है जी, कल्चरल डाइवर्सिटी इज अबाउट अप्रिशिएटिंग दैट सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट स्किल्स टैलेंट्स एंड नीड्स। इट ऑल्सो मीन्स दैट यू रिकॉग्नाइज दैट पीपल इन सोसाइटी कैन हैव डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशंस टू यू। सी, जो जिसका जो रिलीजन होगा अकॉर्डिंगली उसके बिलीव्स होंगे, अकॉर्डिंगली उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस होंगी। मुसलमान है तो उसका ये बिलीव है निकाह इज मैंडेटरी टू हैव सम रिलेशंस विद अदर्स। ठीक है जी, अगर वो यूरोप में मौजूद है तो उसका ये बिलीव है कि वी कैन हैव एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद एनीवन। इससे भी आगे अगर हम मूव कर जाएं तो वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ द होमोसेक्सुअलिटी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा कल्चर, मेरी सोसाइटी क्या कह रही है। मुझे जिससे मोहब्बत करनी है मुझे उसी से करनी है। I want to have some relationship with the same gender. This is called homosexuality. This is calmness for me. This is stability for me. इससे मैं जो है खुद को सुकून में महसूस करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे इसी को देखना है। I am talking about the sexual orientations जो कि different होती हैं कल्चर टू कल्चर, रिलीजन टू रिलीजन। कल्चर कैसे डिफरेंट होगा, जब आपका रिलीजन फर्क होगा। पाकिस्तान में जितने भी कल्चर्स मौजूद होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, ठीक है जी, उनका इस्लाम को लेके, रिलीजन को लेके ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस सेम होंगे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहाँ पे फर्क होती है, जहाँ पे रिलीजन फर्क। अगर हम इन चीज़ों को अपने इस्लाम में या रिलीजन में फॉल कराते हैं तो वो एक ऑफेंस है। इसमें पाकिस्तान के में उसके लॉ में सिस्टम में भी लॉज मौजूद हैं, एक्ट्स मौजूद हैं, और अगर इसको इस्लाम की रूह से देखेंगे तो उसमें भी पनिशमेंट है इफ़ एनी फीमेल और मेल इज गोइंग टू इंडल्ज इन दिस। ठीक है जी, तो क्या है जी कल्चरल डाइवर्सिटी, जब हम इसकी डिस्कशन करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं,
किसी भी सोसाइटी में मौजूद मुख्तलिफ लोग जिनके मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, जिनकी वो डिफरेंट चीज़ों में स्किल्ड हैं, उनके टैलेंट्स डिफरेंट हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट हैं, तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करती हैं। और सोसाइटी में कल्चरल डाइवर्सिटी आपके रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से होती है, और वो रिलीजियस बिलीफ जो है आपके सेक्सुअल ऑरिएंटेशंस को सेट करती है। ठीक है जी, आगे मैंने आपसे क्या बात की थी, हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सोशल क्लास के बेसिस पे होता है, एक आपकी डाइवर्सिटी आपकी इमिग्रेशन की वजह से होती है, माइग्रेट करना, मूव करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक सिटी से दूसरे सिटी में, या एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में, तो वो होती है इमिग्रेशन माइग्रेशन। तो एक होता है आपका सोशल क्लास के बेसिस पे, हाई कल्चर पॉपुलर कल्चर हमने डिस्कस कर लिया। आगे है जी सब कल्चर। सब कल्चर क्या है जी, सब कल्चर इज अ डिस्टिंक्टिव कल्चर दैट इज शेयर्ड बाय ए ग्रुप विद इन ए सोसाइटी। सब कल्चर वो कल्चर है जी जो कि किसी सोसाइटी के जनरल कल्चर में, एक होल कल्चर होता है जनरल कल्चर, उसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं वो जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो सब कल्चर होता है। पाकिस्तान का फुल फ्लेज एक कल्चर है, उसमें डिफरेंट प्रोविंसेस जो कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं वो सब कल्चर हैं। पंजाब का अपना एक कल्चर है, उसमें 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स एक दूसरे से फर्क कल्चर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके सब कल्चर्स हैं। और कल्चर क्या है, हमारी सारी प्रैक्टिसेस, हमारे सारे मैन मेड एनवायरनमेंट, हमारे लिविंग ईटिंग पैटर्न, ऑल थिंग्स विच वी आर डूइंग, विच वी आर प्रिजर्विंग फॉर आर नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड कल्चर, इंक्लूडिंग मटीरियल एंड नॉन मटीरियल बोथ। मैंने आज पूरा लेक्चर कंप्लीट करना था, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट दिस, कि आप लोग वीकेंड पे ये जो मैंने लेक्चर दिए हैं कल्चर के, उसको देखें, उनको रिवाइज करें, जब आपके उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे इसमें बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, कल्चरल लैग, कल्चरल शॉक, एथनोसेंट्रिज्म, और है जी ग्लोबल कल्चर, मल्टी कल्चरलिज्म, ढेरों ढेर चीजें। जब कल्चर पे आप लोगों की ग्रिप हो जाएगी कि कल्चर क्या है, तो फिर उससे फर्दर जितनी चीजें निकलेंगी फिर आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। दो तीन टर्म्स हम जब तक हमारी क्लास का टाइम है डिस्कस करते हैं, उनको समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर मुझे आप लोगों की क्लास की तरफ से अभी स्टार्ट में अच्छा रिस्पांस मिल जाता, मुझे लगता कि शायद आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ गई, तो मैं ये लेक्चर कंप्लीट करा रही हूँ। अब आप लोगों को फिर मैं टाइम दे रही हूँ कि इनको देखें, मैं स्लाइड आई थिंक शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं की तो मैं आज कर दूंगी, CTS पे लिंक्स भी डाल दूंगी, और आप लोग जो हैं इनको देखें, समझें, जो समझ नहीं आता क्वेश्चन अपने पास नोट करें, ग्रुप में पूछ लें, नहीं पूछ लें तो आप क्लास तक का वेट करें। सो मूव करें जी दोबारा सब कल्चर पे। सब कल्चर कौन सा है जी, ये वो कल्चर होता है जो सोसाइटी में पाए जाने वाले जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो कल्चर जो वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, पंजाब, अच्छा पंजाब के अलावा किसी और प्रोविंस से हमारे साथ कोई है? अब नहीं पूछूंगी यार कुछ मुश्किल, प्लीज बताएं कोई है हमारे साथ पंजाब के अलावा?
जी मैम मेरा नहीं ख्याल है, सारे पंजाब सारे पंजाब मैम मैं हूँ, मैं केपीके की हूँ। अच्छा जी ओके ठीक है अलीना, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपसे आपके कल्चर की थोड़ी सी बात कर लें। मैम बेसिकली मैं पंजाब की ही हूँ बट हो चुके हैं तो इतना खास नहीं पता, बट आप पूछ लें जो पता वो बता दूंगी। ठीक हो गया। अच्छा केपी में आप कहाँ रहते हो? मैम एबटाबाद। एबटाबाद में, दैट्स गुड। अच्छा जी आपको जब आप पंजाब में थे पंजाब में कहाँ रहते थे आप? मैम मॉडल टाउन भी रहते थे और इस्लाम दीन पार्क, मतलब लाहौर में। लाहौर में, फाइन ठीक है। एक्चुअली मैं खुद लाहौर से हूँ तो मुझे लगता है कि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो शायद सिर्फ हम लाहौर की बात करते हैं, सॉरी टू से। वो एक वो थोड़ा होता है ना कि मुझे ये लग रहा था कि मैं सोचती हूँ नहीं 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 पंजाब से मुराद सिर्फ लाहौर नहीं है, लाहौर के बाकी पंजाब के 35 बाकी डिस्ट्रिक्ट भी हैं उनकी भी बात करनी है। अच्छा जी अलीना आप मेरे से शेयर करें कि लाहौर और एबटाबाद में आपको क्या फर्क लगा? मैम एक तो थिंकिंग का बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस लगा, जो केपीए के लोग हैं इनकी जो थिंकिंग है इनकी मेंटेलिटी बहुत स्क्वीज्ड है, लाइक ना यहाँ पे बहुत टिपिकल सोच भी है लोगों की। ठीक है। और ये है कि मैम इनकी वेयरिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे सिर्फ शलवार कमीज और दुपट्टा ही पहनना है। वो अलग बात है कि आपकी फैमिली का क्या लाइफस्टाइल है वो कैसे आपको अलाउ करते हैं, बट ये कि यहाँ पे मोस्टली यही देखा जाता है कि एक जैसे वो होता है ना जबरदस्ती करना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये लोगों में वो बहुत आदत है। ठीक है ठीक हो गया। हिजाब किए बगैर यहाँ पे बाहर नहीं जाने देते। ठीक है मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है यहाँ के लोग। और एक चीज के स्पेशली वीमेंस को लेकिन का ये है कि मैट्रिक के बाद उन्हें घर बिठा लेते हैं। फाइन ठीक हो गया जी। अच्छा जी बच्चों आपके पास नोट करें हमारे पास कितनी मुख्तलिफ चीजें आई हैं। वी आर कंपेयरिंग द पंजाब विद केपी, ठीक है, टू गेट द डिफरेंस बिटवीन कल्चर्स। ये हमें नहीं साबित करना कि पंजाब अच्छा है और केपी बुरा है, नो ठीक है। हमारे जो फर्स्ट मैन बैठे हुए हैं हमने उनको तंग नहीं करना है, ठीक है जी। तो क्या करना है हमने, हमने सिर्फ सब कल्चर्स को फाइंड करना है। हम बात करें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के दो सब कल्चर्स हैं पंजाब और केपी। पंजाब में क्या है जी, हमारे पास मोस्टली हमारे पास फ्रीडम होती है गर्ल्स के पास, वो फ्रीली मूव कर सकती हैं, वो क्या पहनना चाहती हैं वो उनकी विश है, ठीक है। वो नहीं भी पढ़ना चाह रही होती तो पेरेंट्स इस तरह से फोर्स करते हैं कि यू हैव टू गेट क्वालिफाइड, ठीक है जी। तो क्या हमारे सामने एक फैक्टर सामने आया है केपी से कि वहां पे ये फोर्स किया जाता है कि आपको हिजाब पहनना है, या फोर्स किया जाता है कि आपको घर में रुकना है, या बहुत ज्यादा सोशल नहीं होती वहाँ की फीमेल्स। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, एबटाबाद से मेरी एक फ्रेंड थी व्हेन वी वर इन एफएससी, तो क्या था जी कि एफएससी कंप्लीट करने के बाद शी गॉट मैरिड। तो हम हैरान हुए कि हम तो इतने छोटे छोटे से हैं यार, पंजाब में तो ऐसा कल्चर ही नहीं है। हालांकि वो लोग इधर लाहौर शिफ्ट हो गए हुए थे और मेरी उस फ्रेंड की बर्थ ही लाहौर से थी, लेकिन क्या है जी कि आपकी जो कल्चरल पैटर्न्स आपने इनहेरिट किए होते हैं ना, जो आपको जेनेटिकली मिले होते हैं, वो चीजें आप नहीं बदल सकते बहुत दफा। उसने एफएससी के बाद बीएससी की चीजें उसने थोड़ी कंटिन्यू रखी, पर आज शी इज अ मदर ऑफ फोर चाइल्ड्स, ठीक है। तो क्या है जी, ये उनका कल्चर है। अलीना ने जो कहा कि उनका कल्चर है जी कि दे मस्ट हैव टू वेयर शलवार कमीज विद दुपट्टा, तो मुझे लगता है कि मेरा जितने भी लोगों से इंटरेक्शन रहा है
या अगर मैं अपनी स्पेसिफिक उसी फ्रेंड की बात करूं तो शायद 10 से 12 साल का हमारा एक रिलेशन है, मैंने उसको नहीं देखा इस कॉस्ट्यूम के अलावा। ठीक है, उनकी शादियां भी मैंने अटेंड की हैं, ज्यादातर इसी तरह का कॉस्ट्यूम होता है, बहुत कम। मतलब हमारे यहाँ यूजुअली पंजाब में इस तरह से होता है कि सर पे दुपट्टा नहीं लिया जाता कहाँ, शादियों में यूजुअली। ठीक है जी, तो वहां पे यू आर वेयरिंग फेस्टिव ड्रेस, आपने जितना भी प्रीशियस कीमती खूबसूरत सूट पहना हुआ है, यू हैव टू वेयर दुपट्टा। ठीक है जी, ये क्या है जी, वी आर डिस्कसिंग द सब कल्चर्स हर एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान। अगर हमारे साथ सिंध से या बलूचिस्तान से लोग मौजूद होते तो उसमें भी हमें फर्क नजर आता। आप अच्छा, आप लोगों ने अब करना क्या है, आप लोगों ने इन कल्चर्स में और क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं ये देखने हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने पास पिक्चर्स डिसाइड करनी है कि पंजाब में ये नहीं देखें, जब हम शलवार कमीज से जीन्स टॉप पे मूव कर जाते हैं तो क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन पाकिस्तानी कंट्री, हमें इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। जब हम, मैं ये कह रही हूँ कि हम मूव कर रहे हैं, आई एम यूजिंग द इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इन लिटिल बिट। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रही होती हूँ, उर्दू में लेक्चर डिलीवर कर रही होती, लेकिन हम स्लाइड्स इंग्लिश पर बना रहे, तो क्या है जी, ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमने अपने लैंग्वेज को चेंज किया है, हमारे अगर लिविंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं, हम इस चम्मच से खाते हुए साथ फॉक को ऐड कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों को ये तमीज सिखा रहे हैं कि आपके फॉक से खाते हुए प्लेट में उसको लगने की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है जी, ये सारे ईटिंग पैटर्न्स हम टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं। और अगर आप अपने एंशियंट्स में चले जाएं तो स्पून के कॉन्सेप्ट बहुत कम थे, प्लेट पकड़ी उसमें राइस डाले हाथों से खाने शुरू कर दिए। ठीक है जी, अभी भी बहुत सारे लोग हैबिचुअल हैं इस चीज के, इस ये प्रैक्टिस करते हैं। ऑल दीज आर सब कल्चर्स, प्रायोरिटीज प्रोविंसेस में लोगों ने अपने मुताबिक सेट की हुई है और वो उसी को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो क्या है जी, सब कल्चर कौन सा कल्चर होता है, आपका जो जनरल कल्चर मौजूद होता है, आपका जो होल कल्चर मौजूद होता है, उसमें डिफरेंट रीजनल क्लासेस के लोग, डिफरेंट रीजन्स से ताल्लुक रखने वाले लोग डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। माइट बी वेरी पॉसिबल कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी को फॉलो करते हैं, और यहाँ पंजाब में अब हमें अपनी पड़ी रहती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हम बहुत अच्छे हों, वो थोड़े से रिजिड हों, वो हमारे ड्रेसिंग पैटर्न्स को ही देख के कहेंगे दे आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम, जिसके तरफ हम हैं। I'm just talking about, might be very possibility, हो भी सकता है इस तरह से। और if they are entering in Punjab, और हम में से किसी से वो contact करें, I'm not talking about specifically KP, कोई भी ऐसी ethnicity या कोई भी ऐसा group जो के इस्लाम को बहुत ज्यादा follow करता है, अपनी religious activities या religious teachings कोई भी है उसको follow करता होगा, तो हम ये कह सकते हैं ये कंजर्वेटिव है। इसको पता ही नहीं सोशल ट्रेंड्स क्या है, सोसाइटी कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, ये वहीं का वहीं रुका हुआ है। सब कल्चर्स वो कल्चर हैं जो होल कल्चर का पार्ट होते हैं, मौजूद कोई भी सोसाइटी, उस सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं, वो जो कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, वो सब कल्चर्स होते हैं, और वो जो सब कल्चर्स हैं वो आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं।
घर में मौजूद लोग, अब मैं इसको सब कल्चर को मूव कर लेती हूँ लाहौर से, लाहौर के डिफरेंट टाउन से, उसके यूनियन काउंसिल से, उसकी यूनियन काउंसिल से, एक घर में, एक घर में मौजूद लोगों की प्रैक्टिसेस बड़ी फर्क होती हैं। माइट बी देर आर 5 siblings, उसमें से कोई एक पूरी 5 नमाजें पढ़ता है, कोई एक एक भी नहीं पढ़ता है, ठीक है दोनों में मुसलमान, ठीक है, एक के पेरेंट्स दोनों के सेम है, ठीक है जी। वन सिस्टर इज वेयरिंग जीन्स एंड टॉप, दूसरी जो है अबाया करके जा रही है, शी इज वेयरिंग हिजाब। तो क्या है, जब हम सब कल्चर की बात करते हैं तो हम प्रायोरिटीज को भी डिस्कस करते हैं, टीचिंग्स सेम है, पेरेंट्स ने उसको भी इस्लाम को बताया, उसको भी बताया है, जो ज्यादा इस्लाम को फॉलो कर रही है उसको ज्यादा नहीं बता रही है। एक लड़का है जो कि शलवार कुर्ते को प्रेफर कर रहा है, और एक है जो जुम्मे को भी पैंट शर्ट ही पहन के जा रहा है, एटलीस्ट वो जुम्मे को अगर उसने नमाज पढ़ने की कोई मूड बन जाए तो शायद शलवार कमीज कभी पहन, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग सब कल्चर, लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में सब कल्चर की बात करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड रखते हैं, हम इसको एक घर में घर के इंडिविजुअल्स पे डिस्कशन नहीं करते। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे रही हूँ कि चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किस तरह से वेरी करती हैं। जब वो एक इंडिविजुअल जो कि थोड़ी डिफरेंट प्रैक्टिसेस कर रहा है, जब वो किसी दूसरे को साथ मिलाता है, वो किसी तीसरे को मिलाता है, चौथे को मिलाता है, तो ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप से ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप से कम्युनिटीज एंड कम्युनिटी से सोसाइटीज। ये जो एक इंडिविजुअल है इसके एग्जाम्पल, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, ये काउंटर कल्चर को फॉर्म करता है। अभी तो हम कह रहे हैं ना सब कल्चर, वो जो होल कल्चर है उसको भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें वो सब कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान का जो एज पाकिस्तानी कल्चर है, होल कल्चर है, उसको हम नहीं मानते। काउंटर कल्चर में वो जो इंडिविजुअल अपना एक ट्रेंड सेट कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ये काउंटर कल्चर सारी एक बकवास है, ये सारा एक हेल है, इसको बाहर में भेज दो, मुझे अपना सिस्टम बनाना है। तो वो इंडिविजुअल अपने साथ लोगों को मिलाता है तो वो एक काउंटर कल्चर फॉर्म करता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, इनलाइटनमेंट एरा जिसमें मोनार्की थी, वो जो एक बादशाह लोगों में बैठा हुआ था, वो ये कहता था कि मैं ही मैं हूं। उस टाइम में लोगों ने ये सोचा कि नहीं, इसकी मोनार्की अब खत्म होनी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। एक इंडिविजुअल जो कि कॉन्शियस है, उसने लोगों को साथ मिलाया, उसने सारे एग्जिस्टिंग कल्चर को रिफ्यूज कर दिया कि मुझे ये कल्चर नहीं चाहिए, ठीक है जी। एक इंडिविजुअल में जितनी पावर होगी वो अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सब कल्चर की। सब कल्चर वो कल्चर होता है, होल कल्चर में डिफरेंट गाइस, डिफरेंट एथनिसिटी रखने वाले ग्रुप्स अपने अपने कल्चर्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। कल्चरल डाइवर्सिटी में मैंने आपको सोशल क्लास को लेके हाई कल्चर, पॉपुलर कल्चर और सब कल्चर बताया है, ठीक है जी। और दो जो पहले इस पे लेक्चर तो हैं, वो आप लोगों ने लिंक्स से उसकी रिकॉर्डिंग्स भी देखनी है, उसको सुनना है, और ताकि मैं जब आप लोगों से पूछूं नेक्स्ट क्लास में तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर से बेहतर हो, ठीक है जी। यस मैम, जी ठीक हो गया, अब आप लोगों ने मेरे ख्याल से अटेंडेंस ले ली हुई है, अगर लेनी है तो ले ली, मैम ले ली हुई है मैंने ले अटेंडेंस, ली, ठीक है जी, शाबाश, आप तो बड़े एफिशिएंट हो गए हैं, थैंक यू सो मच, ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैम एक मिनट, मैंने लेनी है जी अटेंडेंस इनकी। जी जी दुबारा ले लेना। ओके, रोल नंबर 1 फातिमा नवाज, रोल नंबर 2, रोल नंबर 4, प्रेजेंट, 5, प्रेजेंट, 6, प्रेजेंट, 7, 8, प्रेजेंट, 9, ये 11, सॉरी 11,
12 present 15 16 present present 19 present 20 present 21 present present 22 roll number 22 present 23 24 present 25 present 26 present 28 present 29 present 30 31 present 32 33 34 present 35 present 36 present 37 present 38 present 40 42 present 43 present 40 present okay 43 44 present 45 46 present 47 present 48 49 तूबा 48 प्रेजेंट थी उसने 38 पे अपनी प्रेजेंट बुक दी थी अच्छा सही है 49 प्रेजेंट 51 प्रेजेंट 52 56 प्रेजेंट 57 प्रेजेंट 58 present 59 present 60 present 61 present thank you ma'am abhi tuba roll number 1 present mera disconnect ho gaya tha theek hai acha tuba aap mujhe bataiye tha aap logon ko cts pe wo attendance show hoti hai ya nahi ओके मैम मैं बता दूंगी आपको और इस वीक की भी अटेंडेंस में आपको शाम तक भेज दूंगी सारी ठीक है अब वो आप मुझे बता दें अगर आप हमको उसमें अपने नाम शो हो जाते हैं सबको पता चल जाता है कि कौन कौन इनरोल है तो ठीक है वरना मुझे बता दीजिएगा मैं सीटीएस से आपको इमेजेस बनाकर सेंड कर दूंगी ताकि ग्रुप में भेज दूंगी ताकि आप लोग देख लें कि किसका नाम नहीं है तो वो आप आईटी से या किसी से कॉन्टेक्ट कर लें जो भी प्रॉब्लम हो ठीक है जी हाँ जी ओके जी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज मैम